देश भर में बीजेपी सरकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही है और खुद बीजेपी नेताओं को नहीं पता कि झंडा कैसे सीधा है और कैसे उल्टा पकड़ा जाता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव जसरोटिया की ओर से आयोजित एक रैली के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहराया गया, जिसमें राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निरोधक कानून की धारा 2 के तहत उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अधिकारी ने बताया कि एक स्थानीय निवासी ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री जसरोटिया और बीजेपी उम्मीदवार राहुल देव शर्मा की अगुवाई में हुई रैली में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है। कठुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक जसरोटिया भी थे और उन्होंने शिवनगर से एक जुलूस भी निकाला था, जिसमें बीजेपी विधायक ने 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी तक निकाले गए इस जुलूस में उल्टा तिरंगा पकड़ रखा था। बता दें कि तिरंगा को लेकर ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की गलती बीजेपी के कई नेता पहले भी कर चुके हैं। इससे पहले यूपी के सीतापुर जिले में बीजेपी सांसद रेखा वर्मा उल्टा राष्ट्र ध्वज फहराते और तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाते नजर आई थी। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इरफान अहमद ने मक्का शरीफ में उल्टा झंडा फहराया था और फिर उस उल्टे झंडा फहराने का फोटो उन्होंने फेसबुक पेज पर भी अपलोड किया था, जिससे राजनीति में भूचाल आ गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।